हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं मैं कराज। के इस वीडियो में मैं ये 4 इंच के स्पीकर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये मेरे पास सेलसोन का हाई फाई सबवूफर इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ वूफर है दोस्तों। ये आपके 4.1 या 2.1 होम थिएटर में मेनली यूज़ होता है। 2.1 में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाला वूफर है। वूफर मतलब अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूँ, वूफर का काम होता है बेस लाना। आपके होम थिएटर में एक छोटा सा होल होता है मेन बॉक्स में, जिससे मतलब एयर पास होता है, मतलब वो वूफर से होता है दोस्तों। तो ये वूफर का काम क्या होता है, आपका बेस बनाना, जिससे आपका घूम घूम जो आवाज़ आता है वो इसी के वजह से आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सेलसोन का मेरे पास वूफर है। ये मेरे को 120 का बाहर मार्केट में मिल गया है। आप देख सकते हैं इसमें हाई फाई सब वूफर लिखा हुआ है। और दोस्तों मैं सेलसोन का इसलिए लेता हूँ क्योंकि मुझे ये मतलब ब्रांड का थोड़ा मतलब वो रहता है कि अच्छा ब्रांड है इसका, मतलब ख़राब नहीं होगा, अच्छा भी रहता है दोस्तों, सस्ता भी रहता है और ख़राब भी नहीं होता, इसलिए मैं इसी का लेता हूँ। इससे पहले दोस्तों मैंने 6 इंच के वूफर का अनबॉक्सिंग किया था और अभी मैं 4 इंच का करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अनबॉक्सिंग करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये वूफर मस्त झिल्ली में ऐसे पैक होके आता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छे से ये झिल्ली में पैक होके आता है। इसमें मैं इसे खोल निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका पर्दा कितना अच्छा है, थोड़ा मतलब हार्ड भी है, जो कि मतलब ज़्यादा बेस मतलब ज़्यादा वाइब्रेट करने में हमको मदद करता है। और यहाँ का ये पूरा ही हार्ड है अच्छे से, ये थोड़ा वुडन टाइप का है। और यहाँ पे ये आपको कोन मिल जाएगा, कोन पेपर। यहाँ पे भी ये पर्दा थोड़ा हार्ड है, अच्छा है, अच्छा क्वालिटी का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेलसोन 80 वाट मैक्स। दोस्तों ये 80 वाट लिखा है, लेकिन आप इसे 2.1 या 4.1 में चला सकते हैं, तो ये 40 या 50 वाट तक लेगा, तो ये आपका चल जाएगा। 2.1 4.1 या आपका कोई भी ये हाई फाई वूफर लिखा है दोस्तों। आप इसमें थोड़ा बहुत मतलब साउंड इसमें कम दोस्तों, वूफर में एक डिफरेंस रहता है वूफर और स्पीकर में, कि वूफर में दोस्तों आप बेस ले सकते हैं और स्पीकर में आपको बेस बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो वाइब्रेशन नहीं मिलेगा जो आपको ये वूफर में मिलता है। इसका पर्दा और स्पीकर का पर्दा में बहुत अंतर होता है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट करें मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। मैं इसमें यहाँ पर प्लस माइनस में थोड़ा तार फिट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2.1 इंटेक्स का दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें प्लस माइनस में तार वैसे ही फिटिंग कर लिया है। तो दोस्तों इसमें प्लस माइनस का रहता क्या है कि किसी किसी स्पीकर जो स्पीकर का काम आता है उसमें नहीं रहता है, लेकिन ये वूफर में ज़्यादातर रहता है। तो प्लस माइनस से दोस्तों ये होता है कि जैसे आप अगर प्लस माइनस को सही से लगाएंगे तो आपको ये जो बेस है ये सामने की तरफ ऐसे पर्दा उठेगा, ऐसे सामने की तरफ होगा। और अगर आप प्लस माइनस उल्टा लगाएंगे तो आपका बेस ऐसे नीचे की तरफ दबेगा। तो दोस्तों वही रहता है थोड़ा कि अगर आप प्लस माइनस उल्टा लगाएंगे और ज़्यादा बेस में आपका मतलब कॉइल में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप अगर प्लस माइनस लगाएंगे तो आपका ठीक से रहेगा। मैं अब इसमें इसे लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इसे ज्वाइन कर लिया, अब मैं इसे पावर ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने सॉन्ग प्ले कर लिया है। अब इसमें मैंने स्पीकर नहीं लगाया तो आपको साउंड नहीं आएगा, बस बेस आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा बेस है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा बेस आ रहा है इसमें। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि जब आप वूफर में तार लगा रहे हो तो यहां पे सोल्डरिंग कर ले, नहीं तो ज़्यादा बेस आने से यहां पे स्पार्क आ सकता है और आपका बेस फट सकता है। आप देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा उंगली से दबा हुआ है तो कितना अच्छा बेस आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना हार्ड बेस आ रहा है इसमें, वो आपके एम्पलीफायर के ऊपर भी कुछ रहता है। ये इंटेक्स का है दोस्तों, मैं इसके ऊपर भी अभी दूसरा वीडियो लाने वाला हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है 2.1 का वायरिंग कैसे करते हैं, तो मैं उस पर भी अभी वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों मैं आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ को लेने के बारे में नहीं बताऊँगा, मैं आपको सस्ते से सस्ता चीज़ ढूँढ के बताऊँगा।
और मैं इसीलिए ये सब अनबॉक्सिंग की वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि कितने तक आ सकता है ये स्पीकर। इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि स्पीकर इतना मतलब इतने में मिल रहा है, महंगा मिल रहा है करके कई लोग नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों स्पीकर सस्ते मिलते हैं, अगर आप मतलब अच्छे ब्रांड का भी लेंगे और सस्ता भी लेंगे तो आपको सैलसॉन का बहुत अच्छा मिल जाएगा दोस्तों, सस्ते में अच्छा माल है ये, ठीक है दोस्तों। और कई लोग बताते हैं महंगा बताते हैं बहुत, जो कि 800-1000 का आता है दोस्तों, वो कोई मतलब नहीं है, बस आपको बेस से मतलब है। कॉइल वॉइल का दोस्तों कुछ उतना रहता नहीं है, वो बड़े स्पीकर्स के लिए रहता है। ये हमारा छोटा स्पीकर तो ये सैलसॉन बहुत अच्छा है दोस्तों, 6 इंच 8 इंच ये सब में सैलसॉन बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं इसका डिब्बा भी कितना अच्छा है, ब्रांडेड टाइप का दिखता है एकदम। तो ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा स्पीकर है सैलसॉन कंपनी का और अच्छे मतलब आपको सस्ते रेट में मिल जाता है दोस्तों। तो मेरा एक मतलब मेरा इसके पीछे ये उद्देश्य है कि मैं आपको बता दूं कि स्पीकर कितने कितने तक आ सकते हैं और इनका प्राइस कितने के ऊपर रह सकता है, वही है बस दोस्तों। और मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से कोई भी वीडियो लाते रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं और ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहूँगा और मैं जितना अच्छे से बनाता हूँ उससे और अच्छा बनाने का कोशिश करूँगा दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं हमें उतना अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है दोस्तों। और जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे मैं उतनी जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं पोर्टेबल स्पीकर की वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप अगर उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिए और फिर आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और उसमें दोस्तों ब्लूटूथ पहले मैं ऑक्स वाला बनाऊंगा, फिर उसके बाद एक ब्लूटूथ किट भी लगा के बनाऊंगा, बहुत अच्छा एम्पलीफायर बनाऊंगा सिर्फ एक ही स्पीकर से, जो कि आपका सिंपल मोबाइल बैटरी या एसिड बैटरी से चल जाएगा। मोबाइल बैटरी दोस्तों बहुत लोगों के घर में होता है फुली हुई, या बैटरी कैसी भी ज़्यादा फुली हुई नहीं मतलब मीडियम टाइप की, तो उससे आपका वो एम्पलीफायर बन जाता है।